यहाँ पे देखिए स्थिति ऐसी है, ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये हावड़ा हावड़ा सातरागाछी का है, और यहाँ पे देखिए कैसे वाटर कैनन चल रहे हैं, बम्बुए फेंके जा रहे हैं, डंडे फेंके जा रहे हैं, पत्थर फेंके जा रहे हैं। 99 भी अभी टियर गैस, ये अभी ये पहला टियर शेल फटा, और जो समझ में आ रहा है कि ये भीड़ को पीछे ढकेलने की कोशिश अभी की जाएगी, लेकिन यहाँ की तस्वीरें जो दिखा रहे हैं हम आप लोगों को, ये दूसरी टियर गैस तीसरी वाटर शेल यहाँ पे, तीसरी वाटर टियर गैस यहाँ पे, अभी वज्र जो है जहां से मल्टीपल टियर शेल्स फट सकते हैं। यहाँ पे देखिए कैसे आपको लाइव विजुअल दिखा रहे हैं, ये बैक टू बैक अभी टियर शेलिंग हो रही है पुलिस के द्वारा। ये यहाँ पे हालात जो है ये हाथ से ये भटक ना जाए, इसीलिए यहाँ पर आप देखिए कैसे टियर शेल्स फेंके जा रहे हैं, लेकिन अभी तक पुलिस के द्वारा कोई लाठीचार्ज की गई है नहीं। ये कांस्टेंट आपको हम जो विजुअल दिखा रहे हैं ये सातरागाछी का है, सातरागाछी वही जगह है जहां पे शुभेंदु अधिकारी द्वारा ये रैली होने वाला था, लेकिन शुभेंदु लॉकेट चैटर्जी राहुल सिन्हा को पुलिस ने पहले ही डिटेन कर लिया, और उसके बाद ये जो रैली है इसमें शुभेंदु नहीं है, लेकिन यहाँ पर भीड़ ज्यादा है। कितने लोगों की भीड़ होगी ये अभी तक सामने कैलकुलेटिव कोई फिगर आया है नहीं, और लेकिन पुलिस का जो इंतजाम था यहाँ पे हम दिखा रहे हैं आपको कैसे अभी भीड़ को पीछे ढकेला जा रहा है। बहुत पत्थरबाजी हुई, बहुत पहले से वाटर शेल्स फेंके, वाटर कैनन्स का इस्तेमाल हुआ, उसके बाद ये वज्र इस्तेमाल हो रहा है जो टियर शेल्स जिसमें यूज होते हैं। पुलिस के तरफ से यहाँ पर मेगा इंतजाम था, यहाँ पर पुलिस के द्वारा पुलिस यहाँ पे रैपिड एक्शन फोर्स से लेकर हावड़ा पुलिस, हावड़ा सिटी पुलिस यहाँ पे सब रेडी थे यहाँ पे, ताकि सिचुएशन अगर आउट ऑफ कंट्रोल होता है तो उसको कंट्रोल कर लेंगे ये लोग। जैसे हम लोगों ने एंटिसिपेट किया था कि यहाँ पे एक बवाल हो सकता है, और वैसा ही हम लोगों ने देखा यहाँ पर, लेकिन पुलिस ने इन लोगों को पीछे ढकेल दिया। ये पूरा इलाका जो है अभी पुलिस लोगों को पकड़ रही है। यहाँ पे आप विजुअल जो देख रहे हैं ये हावड़ा के सातरागाछी का वो इलाका है जहाँ से और आप कुछ पैदल जाओ तो 99 आता है, और 99 अभियान में ये रूट जो था ये बहुत इम्पोर्टेंट था, शायद इसी वजह से शुभेंदु अधिकारी ने इस जगह को चुना था। और ये देखिए यहाँ पे लोग अभी भी हैं, पुलिस के द्वारा उनको पीछे ढकेला जा रहा है। ये लाइव विजुअल्स आपको प्रसून हमारे कैमरा पर्सन दिखा रहे हैं आपको। আমি পাশে দাঁড়িয়ে তো
लगातार तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं क्योंकि बंगाल में इस वक्त सब कुछ ठीक नहीं है। जो हल्ला बोल बुलाया गया था बीजेपी की ओर से वो दरअसल तूल पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब नौबत ये आ गई है कि वाटर कैनन्स और टीयर गैस का इस्तेमाल पुलिस प्रशासन को करना पड़ा है क्योंकि बड़ी संख्या में लोग आगे कूच करने की कोशिश कर रहे थे। सचिवालय तक जाने का प्लान है जिसके लिए देश भर से लोग सड़क के रास्ते ट्रेन के रास्ते यहां पश्चिम बंगाल पहुंचे हैं। लेकिन हावड़ा में जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई प्रदर्शनकारियों पर पानी की बौछार वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। सुबह से ही पुलिस और बीजेपी प्रदर्शनकारियों में इसी तरह की झड़प देखने को मिल रही है। ममता सरकार ने सल्ला बोल की इजाजत नहीं दी जिसके बाद शुभेंदु अधिकारी को मार्च के बीच में ही हिरासत में लेना पड़ा। तो बवाल अब बढ़ता ही जा रहा है क्योंकि बीजेपी का यह मानना है कि ये दरअसल ममता सरकार की ओर से एक सोची समझी साजिश है जिसके तहत उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा और उन्हें मार्च की इजाजत नहीं दी गई। सूर्याग्नि जहां पर आप मौजूद हैं तस्वीरें दिखाइए। लगातार ये प्रदर्शन उग्र हो रहा है, अब तो वाटर कैनन इस्तेमाल करने की नौबत आ गई। देखिए यहां पे सिर्फ वाटर कैनन नहीं बल्कि उसके साथ टेयर शेल्स होते हैं वो भी इस्तेमाल किए गए हैं। भीड़ को पीछे ढकेला गया है। यहाँ पे मेगा डिप्लॉयमेंट थी पुलिस की, हावड़ा पुलिस, उसके बाद रैपिड एक्शन फोर्स, जैसे हमने आपको सुबह से दिखाया यहाँ पे कैसे डिप्लॉयमेंट था यहाँ पे। और अभी भी हम आपको दिखाएंगे, हमारे कैमरा पर्सन आपको दिखा रहे हैं कि कैसे पीछे ढकेला गया लोगों को यहाँ पर। और जल्द से जल्द यहाँ पर अगर आपको दिखाए कि यहाँ पे टियर शेल्स फेंके गए हैं, यहाँ पे अभी भी डिप्लॉयमेंट है पुलिस की और टियर शेल जब फटता है तो आपकी आंखों में एक जैसे हमारा अभी जल रहा है, हमारा कैमरा पर्सन भी पूरा भीग चुका है। ये बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग सा स्मेल होता है और आपकी आंखें जलती है तो हम भी उसको फील कर रहे हैं। यहाँ पर डिप्लॉयमेंट अगर दिखाएं आपको एक बार, दिखाएंगे एक बार कैमरा पर्सन को यह आपको यहीं से दिखाने की कोशिश करेंगे कि फिलहाल की स्थिति क्या है। यहाँ पे भीड़ जो है वो हट चुकी है, वो पीछे तो हट चुकी है लेकिन यहाँ पर जैसे हमने सुबह से आपको दिखाया था कि वाटर कैनन सब कुछ, अभी देखिए यहाँ पे जो आपको दिखा रहे कि वहां पे ये टियर शेल फेंकने के बाद भी भीड़ को पीछे ढकेलने के बाद भी स्टोन पेल्टिंग फिर से वहां से एक बार हुआ था। और देखिए गार्डेड है पूरा, कैसे पूरा का पूरा यहाँ पे गार्डेड है। वहां पे पत्थर आप देखिए, यहाँ पे कैसे पत्थर उस साइड से आ रहे हैं, ये देखिए फिर से चप्पल पत्थर जो भी है वो इस साइड फेंके जा रहे थे।